उसका एवं तेज में स्वागत है आपका। मैं हूं अमित। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। नए साल के जश्न में डूबी दुनिया, नाइट कर्फ्यू की बंदिशों के बीच 2021 का स्वागत। सबसे पहले न्यूजीलैंड में हुआ नए साल का आगाज। भारत में नए साल का हुआ भव्य स्वागत। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से घर में ही मनाया न्यू ईयर। दिल्ली और मुंबई में की गई शानदार लाइटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी नए साल की शुभकामनाएं। नए साल पर प्रदेशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना। नए साल पर मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर। राज्यपाल मिश्र ने किए मोती डूंगरी मंदिर में दर्शन। राज्यपाल ने की देश प्रदेश में खुशहाली की कामना। मुख्यमंत्री ने नववर्ष की दी शुभकामनाएं। कहा, नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नया साल नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नई सोच और नई ऊर्जा के साथ काम करने का अवसर है। गणपति बप्पा दरबार में भक्तों की हाजिरी। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में नए साल पर भक्तों ने किए भगवान गणेश के दर्शन। भक्तों ने की सुख समृद्धि की कामना। बेंगलुरु के मलेश्वरम में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर महाआरती का आयोजन। नए साल पर भक्तों ने मां लक्ष्मी के किए दर्शन, महाआरती में लिया भाग। नए साल पर बनारस के अस्सी घाट पर विशेष गंगा आरती। कोहरे के बीच नए साल की भक्तिमय शुरुआत। श्रद्धालु ने मां गंगा और सूर्यदेव से सुख समृद्धि और संकट हरने की कामना की। स्वर्ण मंदिर में नए साल पर विशेष अरदास। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में नए साल पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पुरी में नए साल के पहले सूरज का स्वागत। ओडिशा के ऐतिहासिक शहर पुरी के समुद्र किनारे की गई पूजा अर्चना। महिलाओं ने की सूर्यदेव की आराधना। पुष्यम व्रत नक्षत्र के शुभ संयोग के साथ नया साल शुरू। गणेश मंदिरों में किया गया प्रथम पूज्य का अभिषेक। मोतीडूंगरी मंदिर में की विश्व कल्याण हेतु विशेष प्रार्थना। शुभ नक्षत्र के साथ नया साल शुरू। लोगों ने किए गोविंद देव जी के दर्शन। नए साल पर की सुख समृद्धि की कामना। पीएम मोदी ने लाइट हाउस परियोजना की रखी आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 6 राज्यों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट की हुई शुरुआत। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ से अधिक। अब तक 18,24,000 से ज्यादा संक्रमितों ने गंवाई जान। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास भी जारी। अब तक करीब 6 करोड़ मरीज स्वस्थ हुए हैं। 2 करोड़ 26 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.25 करोड़ के पार। करीब 1.5 लाख कोरोना संक्रमितों की मौत। भारत में अब तक 98 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। फिलहाल 2.5 लाख से अधिक एक्टिव केस। 24 घंटे में मिले 20,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में भी कोरोना से मिल रही है राहत। 3 लाख के पार कोरोना संक्रमित। फिलहाल 9,000 से अधिक एक्टिव केस। फाइजर बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी। WHO ने इमरजेंसी यूज की दी इजाजत। तो वहीं भारत ने कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को मिली मंजूरी। 2 जनवरी को देश में ड्राई रन। केंद्र सरकार ने लिया ड्राई रन का फैसला। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ ड्राई रन कराया जाएगा। रेलवे बोर्ड को मिला नया चेयरमैन। सुनीता शर्मा बने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO। CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथि घोषित। CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू। 15 जुलाई तक जारी होगा CBSE 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम। नए साल से भाजपा में बड़ा बदलाव। भाजपा के कई पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में किया बदलाव। 3 सह संगठन महामंत्रियों के दायित्व में किया फेरबदल। कृषि कानूनों पर किसानों के आंदोलन का 37वां दिन। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी। 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक। शाहजहांपुर बॉर्डर पर कृषि कानून का विरोध। कड़ाके की ठंड के बीच NH3 पर डटे किसान। मुख्य मार्गों पर गतिरोध बरकरार। टोंक में कृषि कानूनों का विरोध। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने निकाला कैंडल मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ जताया रोष। फास्टैग पर राहत। 15 फरवरी तक फास्टैग अनिवार्य। 4 पहिया वाहनों के लिए 1.5 महीने बढ़ाई डेडलाइन। नववर्ष के पहले दिन LPG कंपनियों का प्रहार। कमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपये हुआ महंगा।
यूपी के कन्नौज में 107 साल की उम्र में स्वतंत्रता सेनानी का निधन, गोवर्धन लाल कन्नौजिया का हुआ निधन, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। यूपी के आगरा में बवाल के बाद एसएसपी ने दिखाए सख्त तेवर, थाना ताजगंज प्रभारी नरेंद्र कुमार को किया लाइन हाजिर। यूपी के पीलीभीत में दर्दनाक हादसा, ट्रक और बस में जोरदार भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 घायल। यूपी के बहराइच में सड़क हादसा, आपस में टकराए 3 वाहन, बाल बाल बचे यात्री। यूपी के चित्रकूट में युवती का शव मिलने से फैली सनसनी, गला रेत कर की गई है युवती की हत्या। यूपी के हरदोई में जिंदा जलने से चौकीदार की मौत, एक दुकान में चौकीदार का काम करता था शालिग्राम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कन्नौज में फायरिंग का मामला आया सामने, फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, इंद्रगढ़ का है मामला। यूपी के कन्नौज में सर्दी का सितम, कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त, वहीं नगर पालिका की लापरवाही भी आई सामने। नए साल में बेरोजगारों को तोहफा, सीएम गहलोत ने दिया तोहफा, एलडीसी वर्ग 2 के 603 नए सृजित पदों के चयन सूची जारी। नववर्ष की पूर्व संध्या पर गरीबों के बीच पहुंचे सीएम गहलोत, सीएम गहलोत ने रैन बसेरों में कंबल वितरित किए, रैन बसेरों की व्यवस्थाओं की जानकारी ली, आमजन के साथ उठाए चाय का लुत्फ। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, तस्कर से पकड़ा करीब 18 लाख का सोना, तस्कर लाया था 343 ग्राम सोने के 3 तार। जयपुर ग्रामीण में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने होटल में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर की कार्रवाई, पुलिस ने पार्टी करते युवक युवतियों पर लगाया जुर्माना, होटल मैनेजर को किया गिरफ्तार। जालौर के रानीवाड़ा में विवाहिता से मारपीट, बदमाशों ने बेरहमी से की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल, चाटवाड़ा गांव की बताई जा रही है घटना। जैसलमेर में गैरेज के आगे खड़ी कार में लगी आग, आग में जिंदा जला एक युवक, शहर के यूनियन चौराहे की है घटना। बीकानेर के खाजुवाला में दर्दनाक हादसा, भारत माता सड़क मार्ग पर 3 वाहनों की भिड़ंत, कार सवार एक व्यक्ति की मौत, 3 महिलाओं समेत 4 लोग घायल। बूंदी के केशवरायपाटन में हादसों का सबब बनी अधूरी सड़क, अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार, बाल बाल बचे कार सवार 4 लोग। बारा में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, सरकारी जमीन पर हटाया अतिक्रमण, भूखंड भेजने की फिराक में थे कुछ प्रभावशाली अतिक्रमणकर्ता। अजमेर में चोरों का आतंक, फास्ट फूड से सड़क बनाया निशाना, जांच में जुटी पुलिस। झुंझुनू के चुनाव में भाजपा की ओर से निकाय चुनाव की तैयारियां जारी, नगर मंडल की बैठक में सर्वे कराने पर हुई चर्चा। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का रियाबंडी दौरा, पांडुकला में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। भरतपुर उदावल में सीएलजी सदस्यों की बैठक, प्रशिक्षु आईपीएस सुमित मेहरा ने की अध्यक्षता, सट्टा कारोबार और शराब के कारोबार पर कार्रवाई की मांग। जोधपुर के लूड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई की रस्म, सरपंच ने निभाई रस्म। जोधपुर के लूड़ी में सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन, लुणावस खारा गांव में हुआ आयोजन, घर घर गैस, घर घर सुरक्षा, हर गृहिणी की सुरक्षा की रहा उद्देश्य। झालावाड़ के डग में नहीं हो पा रही है पर्याप्त रोडवेज बसों का संचालन, यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। भरतपुर के बयाना में आधार कार्ड बनवाने के लिए ग्रामीण परेशान, ब्रह्मबाद गांव में है एकमात्र ई केंद्र। अजमेर के मसूदा में गंदगी का आलम, एक साल से नहीं हुई पानी की टंकी की सफाई, ग्रामीणों में आक्रोश। उत्तर भारत में सर्दी का सितम, शीतलहर से बड़ी कपकपी, दिल्ली में तेज सर्दी से नए साल का आगाज। प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट, अधिकांश शहरों के तापमान में बढ़ोतरी, 2 से 4 जनवरी तक मावट की संभावना। माउंट आबू में सर्दी का प्रकोप, 4 दिन से माइनस में चल रहा है पारा, जनजीवन पर दिखा असर। फतेहपुर में सर्जिकल स्ट्राइक, लगातार 5वें दिन माइनस में पारा, जनजीवन अस्त व्यस्त। अलवर के बालूसूर में सर्दी का सितम, खेतों में जमी बर्फ, बर्फ गिरने से किसान परेशान। अजमेर में भी शीतलहर का असर, कोहरे से आमजन परेशान, सर्दी का सितम भी जारी। जयपुर के
खुशाराम दास में नववर्ष के उपलक्ष्य पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, श्री गिरधर गौशाला में किया गया आयोजन। अजमेर में ख्वाजा दरगाह में हुई दुआ, नए साल पर कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना कर देश प्रदेश में खुशहाली की मांगी गई दुआ। झुंझुनू में सरकार और सांसदों की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन, कलेक्ट्रेट पर चल रहे धरने में किया गया यज्ञ। झुंझुनू में कलेक्टर और एसपी के प्रमोशन पर बधाई, उपनिदेशक ने दी बधाई। भरतपुर में मनाया गया नव वर्ष, भगवान के दर्शन कर की नए साल की शुरुआत, बांके बिहारी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। टोंक की निवाई में नववर्ष पर चलाया सफाई अभियान, राजीव गांधी सेवा केंद्र से बस स्टैंड तक की गई साफ सफाई। झुंझुनू में मनाया बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना दिवस, बैंक अधिकारियों ने बांटे मास्क। अजमेर में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में मनाया नवा स्थापना दिवस, बैंक अधिकारियों ने पत्रकारों से साझा की जानकारियां। झुंझुनू में मनाया जाट रेजिमेंट की नवी बटालियन का स्थापना दिवस, शहीद स्मारक में शहीदों को किया गया याद। झुंझुनू में सर्दी के सितम के बीच कंबल बांटने पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर एसजी चोपदार हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी ने बांटे कंबल। राजसमंद के देवगढ़ में प्रगति उत्सव कार्यक्रम का आयोजन, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो कार्यशाला का भी हुआ आयोजन, करियर महिला मंडल की ओर से हुआ आयोजन। श्रीगंगानगर के अनुगढ़ में व्यापार मंडल ने किया पत्रकारों का सम्मान, क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और समाधान करवाने के लिए जताया आभार। जयपुर के बगरू में रक्तदान शिविर का आयोजन, महापुरा गांव में हुआ आयोजन, सरपंच संघ अध्यक्ष के जन्मदिन पर हुआ आयोजन। पाली के मारवाड़ जंक्शन में गायों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस का हुआ शुभारंभ, भामाशाहों के सहयोग से एम्बुलेंस का किया गया शुभारंभ। बारा के शाहबाद में किया वृक्षारोपण, खंडेला पीएससी में चिकित्सकों ने किया वृक्षारोपण, देखरेख की भी ली जिम्मेदारी। अजमेर में देवनगर विकास समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कॉलेज प्रशासन पर आरोप, रास्ता बंद करने की वजह से आवागमन में परेशानी। अजमेर दक्षिण में विकास कार्यों का शिलान्यास, विधायक अनिता भदेल ने किया शिलान्यास, लाखों रुपयों की लागत से हो रहे हैं विकास कार्य। झालावाड़ के डग में प्रशासन की लापरवाही, खुले में फेंके जा रहे हैं अपशिष्ट पदार्थ, लोगों को बर्ड फ्लू फैलने की आशंका। जैसलमेर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने दी नव वर्ष की शुभकामनाएं, कहा जिले की प्रगतिकारी अग्रणी पहचान दिलाने और समर्पित भागीदारी का ले संकल्प। भरतपुर के डिग में मनाया नव वर्ष, दो धार्मिक पदयात्राओं को किया रवाना, भंडारे का भी हुआ आयोजन। सिरोही के शिवगंज में टीवी स्टार शैलेश लोढ़ा से मुलाकात, नव वर्ष की दी शुभकामनाएं, समाजसेवी प्रकाश प्रजापति और रघुभाई माली रहे मौजूद। बालोतरा में माता रानी भटियाणी मंदिर के खुले कपाट, भक्तों ने किए माता के दर्शन, कोरोना काल में 10 माह से बंद था मंदिर। झुंझुनू के सूरजगढ़ में विधायक कोष से बने टीन शेड का हुआ लोकार्पण, विधायक सुभाष पुनिया ने किया लोकार्पण, राजकीय बालिका सीनियर स्कूल में लगा है टीन शेड। यूपी के झांसी जिले के 26 थानों में महिला हेल्प डेस्क का लोकार्पण, आईजी सुभाष बघेल ने नवाबाद थाने पहुंचकर फीता काटकर किया शुभारंभ। सासारामगढ़ के रूपगढ़ गांव में प्लॉट विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, एक दूसरे पर कुल्हाड़ी और सरियों से किया हमला, हमले में दोनों पक्षों के एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। भरतपुर में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नवा स्थापना दिवस, बैंक की योजनाओं की दी जानकारी, आमजन को बांटे मास्क। करौली शहर निवासी मनीषा राजपूत ने उत्तराखंड के चंद्रशिला और शिव मंदिर पर फहराया तिरंगा, जिले की पहली महिला पर्वतरोही बनी मनीषा। अलवर के रामगढ़ में भीम सेवा नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का स्वागत, मेघवाल समाज सेवा समिति और दलित समाज की ओर से किया स्वागत। श्री विजयनगर में नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र अध्यक्ष ने संभाला कार्यभार, कार्यक्रम में पार्षदों ने भी संभाला पदभार, लगातार चौथी बार बना है भाजपा का बोर्ड। बारा के शाहबाद में लोगों ने नव वर्ष में बनाया जश्न, पर्यटक स्थल पर दिखी रौनक। बूंदी के विकास नगर में सीसी सड़कों का किया लोकार्पण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य ने कहा नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनते ही विकास नगर को आदर्श कॉलोनी के रूप में किया जाएगा विकसित।
बूंदी में हुई स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना की समीक्षा बैठक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक, चयनित 25 गांव में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना में तैयार की जा रही है डीपीआर। करौली में एसपी मृदुल कछावा ने स्वागत कक्ष का किया उद्घाटन, कहा फरियादियों को समय पर मिलेगा समाधान। प्ले बनते जो फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।